बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 में एक्सरसाइज है 20.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसमें हमें इक्वेशन बनानी है और हमें रूट्स दे दिए। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमें रूट्स बनाने होते थे, निकालने होते थे, हमें इक्वेशन देते थे। इसमें हमें रूट्स गिवेन है और हमें इक्वेशन बनानी है। 4 क्वेश्चन हमें दिए हैं जिससे हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 और -3, तो हमारे पास ये रूट्स हैं। अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 2 है, और बीटा हमारे पास है -3। एस निकाल लेते हैं हम, सम ऑफ रूट एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एस हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3। एस विल बी इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पे प्लस माइनस -3, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3 में से 2 माइनस कर दें, -1। ये हमने सम ऑफ रूट निकाल लिया। इधर हम निकाल लेते हैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट। पी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। पी विल बी इक्वल्स टू, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 और बीटा की वैल्यू है -3, तो हम यहाँ लिख देते हैं -3। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, -3 टू ज़ा 6, पी की वैल्यू आ गई -6। अब हमारे पास एस भी आ गया, पी भी आ गया, इक्वेशन हमारे पास है, उस इक्वेशन के अंदर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एस की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और पी की जगह जो पी की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस एक्स लिख लेते हैं। 1 लिखना चाहें लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 कर लेते हैं हम। पार्ट 2 में हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है? अल्फ़ा है हमारे पास ओमेगा, और बीटा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा के। एस विल बी इक्वल्स टू, अल्फ़ा की वैल्यू है ओमेगा और बीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर। बस ये हो गया, एस निकल गया हमारे पास। इसके बाद हमें जो है प्रोडक्ट भी निकालनी है। हम यहाँ पे पी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। पी विल बी इक्वल्स टू, अल्फ़ा की वैल्यू है ओमेगा और बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को एक बार लिख के और 2 और 1 प्लस कर देंगे तो ओमेगा 3 हो जाएगा। ये ओमेगा 3, पी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब के बराबर होता है 1 के, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। पी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो हमने सम ऑफ रूट निकाला था, एस जो था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकला था ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? होती है -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। और यहाँ मेंशन कर देंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो है एस की वैल्यू आ गई -1 और पी की वैल्यू आ गई 1। इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा, एस की जगह क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, -1x प्लस पी की जगह लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एस की जगह पे हमने लिखना है -1, अंदर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, ये स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए नहीं लिख रही, सिर्फ x लिख रही हूँ। प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पार्ट 3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो ये हमें गिवन है, इसकी अल्फ़ा हमें कितना गिवन है? 2 प्लस आयोटा, और बीटा हमें गिवन है 2 माइनस आयोटा। तो हम अल्फ़ा s निकाल लेते हैं, s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा के। s विल बी इक्वल्स टू, अल्फ़ा है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, और ये प्लस प्लस का साइन डालते हैं ये वाला, और फिर हम लिखते हैं 2 माइनस आयोटा। ब्रैकेट की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, प्लस में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा। अब देखेंगे प्लस आयोटा माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 2 रह गया, यहाँ भी प्लस 2, दोनों का साइन सेम है, तो प्लस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि पी। पी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा के। पी विल बी इक्वल्स टू, अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 2 प्लस आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा से। अब देखें, ये हमारे पास जो है ना ब्रैकेट में है, तो हमने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको इस सवाल में तो करके दिखा रही हूँ, लेकिन आइंदा अगर आएगा तो मैं फिर डायरेक्ट करूँगी।
आपने क्या करना है, इसका टू ले लिया और ये वाला ब्रैकेट पूरा उतार लिया, ठीक है। फिर आपने ये प्लस आयोटा ले लिया और फिर ये वाला ब्रैकेट दोबारा उतार लिया, ठीक है। एक ब्रैकेट को दो बार उतारते हैं और एक ब्रैकेट का ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक दफ़ा इधर लिखते हैं, एक दफ़ा इधर लिखते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंड फॉर्म। ये हो गया टू टू ज़ा फोर। अब इस टू को इस दोनों से मल्टीप्लाई करें, इस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, टू टू ज़ा फोर प्लस माइनस माइनस टू आयोटा प्लस टू को आयोटा से करा टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से करा आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं, प्लस टू आयोटा माइनस टू आयोटा कैंसिल हो गए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फोर, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस वन के बराबर होता है, नाइन्थ क्लास में किया हुआ है हमने, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये फोर है प्लस माइनस माइनस प्लस वन, क्या आ गया, पी की वैल्यू फाइव आ गई। अब ये हमारे पास पी भी आ गया और एस भी आ गया, इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इजिकल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस एस की जगह पे फोर एक्स आ जाएगा प्लस पी की जगह पे फाइव आ जाएगा इजिकल्स टू ज़ीरो। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन वन का पार्ट फोर कर लेते हैं हम, टू अंडर रूट टू है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है माइनस टू अंडर रूट टू। अल्फ़ा हमारा हो जाएगा टू अंडर रूट टू और बीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस टू अंडर रूट टू, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, एस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, एस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा हमारे पास है टू अंडर रूट टू और प्लस आ जाएगा माइनस के साथ टू अंडर रूट टू बीटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस टू अंडर रूट टू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एस विल बी इक्वल्स टू टू अंडर रूट टू प्लस माइनस माइनस टू अंडर रूट टू, प्लस टू अंडर रूट टू और माइनस टू अंडर रूट टू दोनों के दोनों पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखें ये प्लस के साइन के साथ है और पूरी सेम वैल्यू है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो ये कैंसिल होगा इस वजह से। अब हम निकाल लेते हैं पी, निकाल लेते हैं पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, पी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू है टू अंडर रूट टू और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस टू अंडर रूट टू से, ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई होना है, तो हम जो अंडर रूट के बाहर होते हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा टू टू ज़ा फोर माइनस फोर और अंडर रूट टू भी टू टाइम है तो अंडर रूट टू पे कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है, टू टाइम है ना वन और टू इसलिए हमने ऐसे स्क्वायर कर दिया। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, पी विल बी इक्वल्स टू माइनस फोर, ये जो टू है स्क्वायर है, इस स्क्वायर ने इस अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच गया अंडर टू बच गया जो बाहर निकल आया रूट से, सही है। इसके रूट को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, उसमें से एक तरीका ये भी है, पी विल बी इक्वल्स टू फोर टू ज़ा एट माइनस एट हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस एस की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो एक्स और पी की जगह पे माइनस एट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। 20.5 का क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमें ये इक्वेशन गिवन करिए, इस इक्वेशन से हम पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें फाइव क्वेश्चन हमें दिए, वो फाइव क्वेश्चन हमें इसी इक्वेशन से जो रूट्स निकालेंगे उससे करने, तो इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन उतारते हैं और उसके रूट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है सिक्स, बी कितना है, बी है एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री, तो बी थ्री माइनस थ्री हो जाएगा और वन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो सी विल बी इक्वल्स टू वन हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस का साइन उतारा और बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री और ए की वैल्यू कितनी है सिक्स। तो हमने लिखा ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई वन अपॉन टू, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है वन और ए की वैल्यू है सिक्स, तो बस सीधा सीधा हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब इसी वैल्यू को हम बार बार नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन में, बस एक बार निकाल ली ना, जो हमने फाइव क्वेश्चन सॉल्व करने वो इन्हीं दोनों वैल्यू से सॉल्व करने। तो इसका सबसे पहले हम पार्ट वन कर लेते हैं। पार्ट वन हमारे पास है टू अल्फ़ा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन, सही है। अब ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे दी और ये बीटा की वैल्यू दे दी, तो जो हम अब ये जो हमने निकाली है ना, इनके ज़रिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये जो है ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना है, 2α + 1, और बीटा हमारे पास कितना है, 2β + 1। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अब इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से हम एस और पी निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे, यानी सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से। जहाँ अल्फ़ा है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ बीटा है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 2α + 1। ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन डाला और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2β + 1, ये हमने लिख दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2α + 2β को साथ साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और प्लस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन और प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। अब ये देखें, इसमें से आप देखें तो 2 कॉमन निकल लें, 2 कॉमन निकाल लें और अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा बच गया, यहाँ बीटा बच गया, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हुई है ना इस क्वेश्चन में, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली हुई, 1/2 यहाँ पर हमने लिख दिया, प्लस 2। अब ये देखें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 + 2, एस विल बी इक्वल्स टू 3, 2 में 1 प्लस कर दिया 3, ये तो एस आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं पी, पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है, पी लिखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 2α + 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बीटा की वैल्यू से, जो है 2β + 1। ठीक है, अब ये उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया ना कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरह करते हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगी, आपको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। 2α को इस 2β से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, अल्फ़ा और बीटा दोनों। ठीक है, इस 2α को पहले 2β से मल्टीप्लाई करा, अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2α को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2α का 2α ही आ जाएगा। इसी तरह अब ये तो एक साइड का हो गया, इसको हम इन दोनों से करेंगे, प्लस 1 को इन दोनों से करेंगे, प्लस 1 को 2β से करेंगे, क्या आ जाएगा, 2β को प्लस 1 से करेंगे, 2β ही आ जाएगा, और प्लस 1 को प्लस 1 से करेंगे, प्लस 1 ही आ जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा बीटा को ऐसा करें, यहाँ ब्रैकेट कर दें और यहाँ पे 2 रखें, और 2 कॉमन निकाला इन दोनों में से, 2α + 2β में से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे अल्फ़ा बच गया, ये प्लस बच गया और ये बीटा बच गया, ये प्लस 1 भी अभी ऐसे ही उतार लेते हैं। अब ये जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली हुई है अपने क्वेश्चन में, सबसे पहले वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/6 प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 × 1 = 2, और ये नीचे जो है 3 बच गया, 2/3 आ गई, प्लस यहाँ पे 1 बच गया, और फिर यहाँ पे भी 1 बच गया हमारे पास, 2/3 ऐसे ही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, प्लस 2। अब ये एक जो है फ्रैक्शन में है, एक जो है वो नहीं है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में करके इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे जो है 3 निकला, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड करा, 3 आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 6, और मैं 2 प्लस करें, 8/3, हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 8/3। अब हमारे पास एस भी आ गया, पी भी आ गया, अब हम इसको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x²−sx + p = 0। अब इसमें s की और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। s की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, यहाँ पे 3 लिख दिया, और p की वैल्यू हमारे पास आई है 8/3 = 0। अब मसला ये है कि ये अपॉन में है, तो हमें इन सबको फिर सबके साथ LCM निकालना पड़ेगा, तो हम इसके नीचे भी 1 कर देते हैं, इसके नीचे भी 1 कर देते हैं, तो हमारे पास LCM में ही नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को 1 से डिवाइड करा, हमारे पास क्या आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई करा, 3x² आ गया, ये वाला माइनस उतार लेते हैं, फिर हमने 3 को 1 से डिवाइड करा, 3 आ गया, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करा, 3 × 3 = 9x आ गया, अब ये प्लस उतार लिया, 3 को 3 से करा, 1 आ गया, 1 को 8 से करा, 8 आ गया। इस 3 को 0 की तरफ ले जाएं तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3x²−9x + 8 = 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 0 ही आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 3x²−9x + 8 = 0। ये हमारी देखें इक्वेशन ड्राइव हो गई पूरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमारे पास है α² और β², यानी कि ये हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, बीटा की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने इसी क्वेश्चन के शुरू में निकाला था उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना निकला था, 1/2 निकला था, और प्रोडक्ट कितना निकला था, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा,
वो निकला था हमारे पास 1/6। यही हमने यूज़ करनी है, बार बार नहीं निकालेंगे हम इक्वेशन से, वही इक्वेशन है जो वन पार्ट में थी वही करनी है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो ये हमें कंडीशन दी हुई, इस कंडीशन पे चलेंगे हम। हम लिख लेते हैं S इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, तो S विल बी इक्वल्स टू अल्फा की जगह ये अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर लिख दें और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर लिख देते हैं, जो हमें गिवन है कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला करके आए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के। देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, ये बार बार यूज़ होंगे, तीन फार्मूले आपने याद कर लेने, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखें इसके अंदर हम वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते थे, इसलिए करते हैं इसको कन्वर्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, इस पर स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस ये वाला 2 लिखा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा या प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है हमारे पास 1/6, यहाँ 1/6 लिख दिया। अब ये 2 1 2 2 3 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, एस विल बी इक्वल्स टू 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा 1/4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1 ऊपर बचा, नीचे जो है 3 बच गया, -1/3। ज़ाहिर है अब ये दोनों फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 12 आ जाएगा एलसीएम में हमारे पास। अब इस 12 को 4 से डिवाइड करें 3 आंसर आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 1 3, इस 12 को 3 से डिवाइड करा 4 आंसर आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 1 4, तो हमारे पास एस कितना आ गया, -4 में से +3 निकालेंगे -1/12, ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे पी निकाल लेते हैं, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे पी निकालेंगे, पी इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू है बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम ऐसा करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा को एक साथ करके बाहर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी तो है नहीं कोई वैल्यू अलग से, तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह 1/6 पे स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 को स्क्वायर करें 1 ही आता है, 6 को स्क्वायर करें 1/36 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये पी की है और ये एस की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, माइनस एस की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -1/12x और पी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/36 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस प्लस x/12 हो गया, x 1 x हो गया ना, और 1/36 ऐसा करते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 12 और 36 का अब एलसीएम निकालते हैं, तो आपके पास क्या आता है 36 ही आपके पास एलसीएम निकलेगा, 12 और 36 का हम निकालेंगे ना, क्योंकि ये देखिए बस बच्चों के काम है ये, इसीलिए मैंने ही करी कि आप सबको आता है करना। 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास 36 निकलेगा, 36 को 1 से डिवाइड करें 36 आंसर आएगा, 36 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें 36x² आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 1 है, प्लस उतारा। अब ये जो 36 है इसको 12 से डिवाइड करें, तो 12 3 36 3 आंसर आया, 3 को x से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3x, 36 को 36 से डिवाइड करा कुछ भी नहीं आया, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, ठीक है। अब ये 36 को 0 के पास ले जाके यहाँ डिवाइड हो रहे इधर मल्टीप्लाई कर दें, 36x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 36 किया, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आ गया, 36x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं, इसमें जो हमें वैल्यू गिवन है 1/α है और 1/β है। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में शुरू में निकाली थी वो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 1/2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास थी 1/6। इसी वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई करनी है पहले, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एस की विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कंडीशन अब हम अप्लाई करते हैं, अल्फा की जगह हम लिख लेते हैं 1/α और बीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/β, सही। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम निकालना पड़ेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा यहाँ बीटा आ गया, यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो गया अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे अल्फा आ गया। अब ये हमारे पास देखिए बन गया बीटा प्लस अल्फा,
तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, सेम ही बात है। और यहाँ बच गया अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, और इसके नीचे डिवाइड करते हैं और इसकी वैल्यू है 1/6। इस तरह हम कर लेते हैं। आपको पता है कि जो ऊपर वाला होता है उसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। कैसे हो जाएगा, 1/6 की जगह हो गया 6/1, डिवाइड था मल्टीप्लाई कर दिया और इन्वर्स कर दिया। 2 1 2, 2 3 6, एस की वैल्यू आ गई 3 1 3, और नीचे सिर्फ 1 बचा है तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर हमारे पास 3 आ गया सिर्फ। अब हम इसी तरह से पी निकाल देते हैं। यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/अल्फ़ा है हमारे पास, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, बीटा की वैल्यू से। बीटा क्या है, 1/बीटा। तो पी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। फिर हम यहाँ पे 1 तो ऐसे ही रहने देते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर वही बात होगी कि जो होते हैं अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो इन्वर्स हो जाता है, 1 ऊपर ही है, ये हो गया हमारे पास 6/1। तो कितना आ गया हमारे पास, पी विल बी इक्वल्स टू 6 1 6 6/1, यानी कि 6। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। पी भी आ गया हमारे पास और एस भी आ गया। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, एस की जगह पे 3 लिख दिया 3x, और पी की जगह पे 6 लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई बहुत ईजी तरीके से। अच्छा, आपकी इस एक्सरसाइज की जो ना ये वाली एक्सरसाइज 20.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। मुझे लगता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। 20.1 से 4 तक जो था वो इसी एक्सरसाइज की बेसिक्स सिखाई थी सारी। देखिए, ये पहले आपको फॉर्म अल्फा प्लस बीटा और ये सब, सबसे पहले आपको देखें ये निकालना सिखाई थी, फिर आपको ये फार्मूलाज निकालने सिखाए कि किस तरह फार्मूले बनते हैं, तो ये सब चीज़ें सिखाई हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज उसमें कंबाइन होकर आ गई है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ आंसर जो हैं आपके बुक से मैच नहीं हो रहे, कुछ आंसर बुक में इसके गलत हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ करें। मैं आपको जो भी करा रही हूँ पूरा इसको अच्छी तरह वेरीफाई करके करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और दूसरी वैल्यू है बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा या प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/6, ठीक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करके एस निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। एस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी अल्फ़ा अपॉन बीटा, ठीक है। ये प्लस का साइन उतारा, और बीटा की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक लाइन में यहाँ पे कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, भूल गई मैं, लेकिन आप यहाँ पे कर दें तो अच्छा है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा है और बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा है, ठीक है। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, दोनों क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हम लिख लेते हैं बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, तो यहाँ जो है बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बचा। अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये वाला प्लस उतार दें। यहाँ जो है अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करा, बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखें, आपने जो शुरू में बिल्कुल एक्सरसाइज में ये फार्मूले सीखे थे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती ना हमारे पास, इसलिए हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पे हमने बीटा अल्फ़ा है ना, इसको हम अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम बात है, तीनों की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सम ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट की। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 है, हमने लिख लिया 1/2 पे स्क्वायर, माइनस 2 है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोडक्ट की क्या है 1/6 है, हमने यहाँ लिख लिया 1/6। इसके नीचे डिवाइड है हमारे पास, यहाँ डिवाइड डालते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितने हैं, 1/6 हमने लिख दी। ये डिवाइड का यहाँ पे साइन डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हम एस विल बी इक्वल्स टू 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 1/4 हो गया, माइनस 2 1 2, 2 3 6, 2 2 से ये 6 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऊपर जो इसका था, इसकी वैल्यू आ गई। ये जो डिवाइड हो रहा है 1/6, इसको हमने इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 की जगह क्या हो गया, 6/1, ठीक है। अब पहले इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम जो है इसका एलसीएम निकालेंगे,
फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 3 12 निकलेगा हमारे पास। यहाँ पे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 1 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 1 4, तो हमारे पास अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6/1 भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1/12 मल्टीप्लाई बाय 6/1, 6 1 6 6 2 12, लेकिन इस स्टेप पे हमारे लिए सही है करना, -1/2 1 2, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। अब इधर हम इस तरह से ही पी भी निकाल लेते हैं, पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, पी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करा अल्फ़ा बीटा आ गया, और नीचे बीटा को करा तब भी अल्फ़ा बीटा आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 है, यहाँ पे हमने 1/6 लिखा, इसको डिवाइड करा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 है, ठीक है। अब हम ऐसे ही करते हैं, ये 1/6 हमने ऐसे ही उतार लिया, और ये जो 1/6 डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/1 कर दिया, 6 से 6 कर दिया, पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x²-sx + p = 0, x²-s की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -1/2x प्लस पी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1, x²-x/2+1। अब ये जो है ये फ्रैक्शन में, इन सबको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, नीचे 2 निकलेगा, इस 2 को 1 से डिवाइड करा 2 आ गया, 2 को x² से मल्टीप्लाई करा 2x² आ गया, 2 को इस 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, 1 को x से करा 1x आ गया, इस 2 को 1 से करा 2 आंसर आ गया, 2 को 1 से करा यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 को इधर ले जाएं 0 हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 2x² + x + 2, और ये जो है इसको चाहे आप शो करें या ना करें लेकिन आ जाता है समझ में कि ये क्या करें, 2x² + x + 2 = 0, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये हमारी इक्वेशन है। हो सकता है कुछ आंसर आपके मैच ना हो रहे हो, लेकिन आप सेटिस्फाई रहे, मैंने आपको वेरीफाई करके करवाए क्वेश्चंस आपको। पार्ट फाइव करते हैं, पार्ट फाइव में देखें हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू दी है, लिख लेते हैं हम अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है, और बीटा हमारे पास कितना है 1/α + 1/β, देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/2 निकाली हुई है, और प्रोडक्ट की निकाली हुई हमने, इसकी वैल्यू निकाली हुई हमने 1/6, जो हमने शुरू में निकाली है वही लिखेंगे, ठीक है, ये हमने ये लिख ली। और अगर देखें जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कैसे निकाली है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे आप, शुरू से इसकी निकाल के पहले आप शो करेंगे, इक्वेशन उतारेंगे, ये निकाल के शो करेंगे, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 5 क्वेश्चन करने थे ना, तो वो जो शुरू के स्टेप हैं जो मैंने क्वेश्चन इसके पार्ट वन में कराएं वो इस हर सवाल के अंदर आपको करने होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो सारे पार्ट नहीं आएंगे, एक ही पार्ट आएगा ना, ठीक है। अब हम एस निकाल लेते हैं, एस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसके अंदर क्या प्लस करना है हमने बीटा को, वही हमने प्लस करना है 1/α + 1/β को, देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, चाहे ब्रैकेट दे दें इसको चाहे ना दें, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर हम इसको ब्रैकेट कर दें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम अभी तो ऐसा अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये अपॉन में है, ऐसी किसी चीज़ की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमें ऐसी कंडीशन में लाना है कि इसकी वैल्यू बन सके, तो इसको हमने एलसीएम निकालते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो गया, यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा बीटा आ गया, इस जगह पर हम देखते हैं बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा सेम होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और यहाँ डिवाइड के साथ यह क्या है हमारे पास 1/6। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये 1/2 है और इसमें ऊपर इसके साथ जो है +1/2 है, ये जो 1/6 डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके 6/1 कर दें, ठीक है, ये 1/6 जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हमने 1/2 ऐसे ही उतार लिया, ये वाला प्लस उतारा 1/2, ये भी ऐसे उतार लिया, जो 1/6 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था इसको हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करा, इन्वर्स कर दिया, तो 1/6 का 6/1 हो गया। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई को यहाँ से हम पहले इसको कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास एस क्या बच गया 1/2 प्लस यहाँ पे बच गया 3 1 3, ये फ्रैक्शन में
इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 2 एलसीएम निकलेगा, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, इस 2 को 1 से डिवाइड करा 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, ये तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम जो है पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट देना पड़ेगा इसमें हमें लाजमी तौर पे, बीटा की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब सबसे पहले हमें इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको हम, अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐसे ही रखा और ये जो है इसको हम उसी तरह एलसीएम निकालेंगे जैसा स्टेप पे इधर करा हमने, तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा बीटा आ गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करा अल्फा आ गया, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बन गया, अल्फा प्लस बीटा बन गया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बन गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, पी विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2, ठीक है, बस यहाँ इसके दरमियान प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसकी जगह बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही मतलब हो गया, इसकी जगह भी 1 अपॉन 2 लिख दें, इसके नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसके नीचे 1 अपॉन 6 लिख दें। अभी हमने 1 अपॉन 2 ऐसे ही लिख लिया, अभी इसको हम नहीं टच कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में रहने दें, ये जो हमारे पास 1 अपॉन 2 है इसके नीचे 1 अपॉन 6 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया 6 अपॉन 1 कर दिया, 2 1 2 2 3 6 हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 2 ऐसे ही उतार लीजिए, अभी भी 3 1 यहाँ ब्रैकेट देते हैं हम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 1 3 और 1 को 1 से करा 1 आ गया, ठीक है, तो अब जो है इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ठीक है, कोई साइन नहीं होने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कर देंगे पी विल बी इक्वल्स टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 1 3 2 को 1 से करा 3 अपॉन 2, हमारे पास आंसर आ गया, पी की वैल्यू भी आ गई और एस की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, माइनस एस की जगह हम लिखते हैं 7 अपॉन 2 एक्स, प्लस पी की जगह हम लिखते हैं 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, बहुत सिंपल सा हो रहा है कि इसको हम जो है एलसीएम निकाल लेते हैं सबका, 2 एलसीएम निकलेगा हमारे पास, 1 से 2 को डिवाइड करा 2 आ गया, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा 2 एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला माइनस उतारते हैं, 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आ गया, 1 7 7 एक्स आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, 1 3 3 आ गया, इस 2 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से ख़त्म करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5b। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।